विदेशी हथियार से गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या की गई। आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये हथियार 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर है। इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए है। भारत में ये रिवॉल्वर और इसके कारतूस प्रतिबंधित नहीं है। इसका एक कारतूस 1.5 से 2 हजार रुपए में मिलता है। और आमतौर पर ये रिवॉल्वर पंजाब में लोग शौकिया तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अपने पास रखते हैं। गैंगस्टर संजीव जीवा मर्डर केस में बड़ी खबर इस वक्त जो मिल रही है वो हम बताएंगे। संजीव जीवा की थी सुनील दाटी गैंग से दुश्मन। और आपको बता दें कि जीवा के गैंग में करीब 35 गुर्गे थे। वो अपने गुर्गों को हमेशा साथ लेकर चलता था। कोर्ट में गैंगस्टर के मर्डर मामले में हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इसमें जीवा की दोस्ती मुन्ना बजरंगी गैंग से भी थी, जबकि सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी के बीच पुरानी रंजिश थी। इस वजह से सुनील राठी जीवा को भी अपना दुश्मन मान बैठा। सुनील राठी पर ही मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने का आरोप था। मुन्ना बजरंगी को 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से ही जीवा और सुनील राठी के बीच फिर एक बार गैंग को लेकर, वर्चस्व को लेकर जो लड़ाई थी वो चरम पे पहुंची। और पश्चिमी यूपी में सुनील राठी और संजीव जीवा गैंग के बीच हमले भी शुरू हो गए थे। तो लखनऊ की जिला अदालत में शूटआउट के समय 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। न्यूज 18 की टीम ने घायल पुलिसकर्मियों से बातचीत की है। जिस वक्त संजीव जीवा पर हमला हुआ उस वक्त दोनों पुलिसकर्मी उसके साथ थे। पूरी वारदात को 2 से 3 मिनट में अंजाम दिया गया। उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक है, लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? पैर में लगी है, एक जगह। एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई है। दूसरे मतलब दो जगह आपको गोली लगी है। ये बताइए अभी ठीक हैं आप, बात करने लायक हैं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना है। क्या हुआ था पूरा मामला? जब संजीव पर हमला हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुँचे थे? नहीं नहीं, हाँ हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे बस अचानक गोली चलने लगी। पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर कमलेश कुमार, कमलेश कुमार। कमलेश जी उस दौरान आप वहीं पे मौजूद थे, अभी आपकी तबीयत कैसी है? कहाँ कहाँ गोली लगी? पैर में लगी। पैर में गोली लगी है आपकी? अच्छा, घुटने पे? घुटने की, ये जांग में। अच्छा, जांग में आपकी गोली लगी है आपको। आप ये बताइए मुझे, जिस दौरान गोली चली आप क्या संजीव के साथ कोर्ट रूम में एंटर कर रहे थे उसी दौरान की बात? हाँ उसी दौरान अचानक जो चली, अचानक। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी वहाँ पे? 4-5 हुई थी। 4-5 तो बताया जा रहा है कि संजीव पे ही लगी थी गोली, क्योंकि एक बच्ची को भी तो चोट लगी थी, एक छोटी सी बच्ची को गोली लगी। बस इतने हमको सुनाई दिया, वहाँ पे अफरा तफरी मच गए। उसके बाद किसको पकड़ने में हम लोग लग गए, पकड़ लिया गया वो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर घायल पुलिसकर्मी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है कि किस तरीके से जब कोर्ट परिसर में फायरिंग होती है तो पुलिसकर्मी को भी गोली लगती है। हालांकि अब उनका इलाज चल रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि बच्ची से मिलने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, बच्ची का हालचाल जानते हैं और अब से कुछ देर में जीवा का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में होगा। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये बड़ी घटना होती है। और सीधे अपने सहयोगी अमित का इस वक्त हम रुख करेंगे। अमित, अब क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आके मिलके जा चुके हैं पीड़ित परिवार से। इसके अलावा एसआईटी डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, जो एसआईटी का गठन हुआ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ बीते कल रात को ही एसआईटी जो है मौका का मुआयना करने के लिए लखनऊ की जिला अदालत पहुंच गई थी। उसके बाद वहां से काफी देर रहने के बाद एसआईटी की टीम निकली है और फिलहाल एसआईटी की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन रिवॉल्वर को लेकर, जो रिवॉल्वर 0.357 अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर बरामद किया गया है, वो आखिरकार आरोपी तक कहां से पहुंचा। विजय उर्फ आनंद यादव जो कि जौनपुर का रहने वाला है लेकिन पिछले कुछ दिनों से, यानी कह सकते हैं कि तकरीबन 1 महीने से वो अपने परिवार के संपर्क में नहीं था। उसके परिवार भी खुद शौक में है, उसके परिजन, उसके
उसके पिता खुद शॉक में है कि वो आखिरकार इतनी बड़ी हत्या की वारदात को अंजाम कैसे दे दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में गैंगवर्क और बच्चों को लेकर देखा जा रहा है, लेकिन अन्य तमाम एंगल को भी पुलिस रूल आउट नहीं कर रही है। मैं एक बार अभी आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ। देखिये इसी अस्पताल में KGMU ट्रॉमा सेंटर में बच्ची जो कि 2 से 3 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है वो एडमिट है, स्टेबल है बच्ची, खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने बच्ची को चॉकलेट दिया और इससे पहले भी हमने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मोहब्बत किस तरीके से बच्चों के प्रति रहता है। जब भी कोई उनसे अपने बच्चों के साथ मिलने जाता था तो किस तरीके से वो प्यार मोहब्बत बच्चों को वो देते थे वो देखा है। और जैसे ही कल ये शूट आउट हुआ था उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे थे, इस बच्ची को लेकर अपडेट ले रहे थे कि बच्ची के हालात कैसे हैं। और उसके बाद आज बच्ची को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बच्ची के परिवार को उन्होंने हौसला दिया है कि जो भी खर्चा होगा अस्पताल का वो सरकार करेंगे। जिन तस्वीरों की चर्चा आप कर रहे हैं उन तस्वीरों के मायने ये है कि प्रदेश के हर एक व्यक्ति को सीएम यही दिखाना चाहते हैं कि किसी की भी मुसीबत में वो साथ में है। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद वकीलों ने शूटआउट के आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। वकील के मुताबिक आरोपी बदमाश भागने की फिराक में था, लेकिन वकीलों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे धर दबोचा। सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूंगा किस तरीके से वो पहुंचा है जो बदमाश था जिसने फायरिंग की है। आप कहाँ मौजूद थे, कहाँ संजीव जीवा मौजूद था? जैसा कि हम कोर्ट ही में मौजूद थे, ठीक है, कोर्ट चल रही थी, कोर्ट ओपन थी, ठीक है। संजीव जीवा आता है पीछे से, वो जब गेट पे एंट्री जैसे ही करता है, ठीक है, उसको पीछे से एक फायर होती है, ठीक है, मतलब कोर्ट रूम में एंट्री के दौरान उसी दौरान एक फायर, वो कोर्ट बैठी थी उस समय, वो आके अंदर गिरता है, बस वो अंदर से, जब हम लोग अंदर खड़े थे चूंकि कोर्ट में, जैसे ही अंदर फायरिंग होती है तो पुलिस वाले अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागते हैं। मुझे एक बात बताइए, जैसे ही पहली फायरिंग होती है जीवा गिर जाता है नीचे जमीन पे? हाँ, जीवा गिर जाता है, उसकी मेरे पास वीडियो भी है। तीन गोली लगी के बाद 3 से 4 गोली उसके लगी है और पुलिस वाले उसको ऐसे पैर लगा के ऐसे देखते हैं क्या जिंदा है कि मर गया। बताइए, पुलिस वाले बाद में आते हैं जब हम लोगों ने उसको पकड़ा है, जिसका नाम उसके बाद विजय यादव को, जब जो बदमाश था जिसको आपने वकील की यूनिफॉर्म में आया था, जब आपने उसको पकड़ा जी, तब उसका रिएक्शन कैसा था? वो अपने आप को छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, उसका कोई और भी साथी था जिससे कि हम लोग पहचान नहीं सके, उसके 2-3 लोग होंगे साथी, लेकिन जो जैसे कि वो फायरिंग कर रहा था तो हम लोगों ने उसको पकड़ा पहले, पुलिस अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागी। आरोप है कि 25 साल की उस लड़की ने शराब पी रखी थी और वो एक दूसरे यात्री को परेशान कर रही थी। प्लेन उड़ने ही वाला था लेकिन लड़की की वजह से उसे वापस एयरपोर्ट गेट पर लाना पड़ा और उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन काफी मशक्कत के बाद, क्योंकि सामने आए वीडियो में दिखा कि वो लड़की अपनी सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उसे उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसकी सीट से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रही थी, इसलिए उसे हथकड़ी पहनानी पड़ी। हालांकि गिरफ्तारी के अगले ही दिन उसे जमानत दे दी गई। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमानों का इंतजार है। जेलेंस्की ने बयान जारी कर दावा किया कि यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए कई ताकतवर देशों ने उन्हें यह प्रस्ताव भेजा है, जिस पर जल्द ही आखिरी समझौता हो सकता है। जेलेंस्की ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने वाले किसी ताकतवर देश के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने हुई G7 की बैठक में भरोसा जताया था कि वो यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देंगे और इसके लिए यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन के इस प्रस्ताव पर अब तक मुहर नहीं लगी है, क्योंकि अमेरिका ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि यूक्रेन को कब और कितने F-16 लड़ाकू विमान दिए जाएंगे।